नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको 12th का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ मॉडर्न रूल का. स्टेटमेंट है पीएन, यानी पीएन गिवन है ए ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस अप टू सेवन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ. देखो, सबसे पहले सोल्यूशन में स्टेप फर्स्ट करते हैं. स्टेप फर्स्ट, फुट एन इज इक्वल टू वन, एन की जगह हमें वन फुट करना है. पी ऑफ वन, यहां पर मैं एन की जगह वन फुट करने लगी हूं, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, वहां पर एन की जगह वन, वन बाय टू टू ए प्लस एन की जगह वन माइनस वन इंटू डी. यानी मैंने एन की जगह क्या फुट किया है, वन फुट किया है. अब इसको देखो, सॉल्व करते हैं. ए प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो को डी से मल्टीप्लाई किया, जीरो इज इक्वल टू वन बाय टू टू ए प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो को डी से मल्टीप्लाई किया, ये भी कितना आ गया, जीरो. इधर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू टू ए बाय टू, टू से टू कट हो गए, यहां पर भी क्या बचेगा, ए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो पी वन इज ट्रू. स्टेप सेकेंड क्या है, सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. सपोज करते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. यहां पर एन की जगह मैं के पुट करूंगी. पी ऑफ के ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस अप टू सॉन ए प्लस एन की जगह के माइनस वन इंटू डी, एन की जगह के पुट किया, इज इक्वल टू के बाय टू, यहां पर भी टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, एन की जगह के पुट किया. अब स्टेप करते हैं, स्टेप थर्ड. स्टेप थर्ड, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन. पी ऑफ के प्लस वन ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस अप टू सॉन ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, सॉरी के प्लस वन, एन की जगह मैं के प्लस वन पुट करूंगी, के प्लस वन पीछे माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, यहां पर भी एन की जगह के प्लस वन बाय टू टू ए प्लस, यहां पर एन की जगह के प्लस वन माइनस वन इंटू डी, मैंने एन की जगह के प्लस वन पुट किया. इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. पी ऑफ के प्लस वन ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस, ये वन से वन कट हो गया, क्या बचेगा, ए प्लस के डी इज इक्वल टू के प्लस वन बाय टू टू ए प्लस, ये भी वन से वन कट हो गया, क्या बचेगा, के इंटू डी टू ए प्लस के डी. अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस अप टू सॉन, इसे पिछले वाला स्टेप लिखना बाय स्टेप सेकंड से. स्टेप सेकंड में ये लास्ट स्टेप है, ये इसे पिछले वाला होगा. लास्ट स्टेप क्या है, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी बाय स्टेप सेकंड से. ये लास्ट स्टेप जो है इसे पिछले वाला स्टेप लिख दिया, प्लस लास्ट स्टेप ये ए प्लस के डी. अब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, ए से लेकर कहां तक, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ए से लेकर ए प्लस के माइनस वन इंटू डी की वैल्यू ये गिवन है, ये पुट कर दो, क्या वैल्यू है, के बाय टू टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू पुट की, प्लस लास्ट स्टेप ए प्लस के इंटू डी, ये लास्ट स्टेप. देखो इसको सॉल्व करना है, के बाय टू, यहां पर टू एलसीएम लेंगे, के इंटू टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, इसके नीचे वन है, यहां पर मैंने टू एलसीएम ले लिया, इसके नीचे वन है, तो टू, ये तो वैसे ही रहेगी ऊपर वाले ब्रैकेट, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
दोनों के साथ होगा इसलिए टू को टू बाहर होगी ब्रैकेट में लिखना है ए प्लस के डी, यानी टू जो है जो मैंने एलसीएम लिया टू यहाँ पर तो टू है, ये इसका टू है, सारे का ही टू है, मीन्स सभी का ही टू है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये सारे का ही नीचे टू है, वो जो मैंने एलसीएम लिया ऊपर क्या रह जाएगा के इंटू टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी प्लस यहाँ पर तो टू है नहीं तो फिर इसलिए टू को ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, और जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ होगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि बाद में टू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या आएगा के इंटू टू ए प्लस, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ दोनों को, के को डी के साथ किया के डी, माइनस वन को डी के साथ किया डी, ये मल्टीप्लाई किया, प्लस टू को अंदर मल्टीप्लाई किया टू ए प्लस टू के डी अपॉन नीचे टू। ठीक है, अब के भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने टू ए के प्लस के को इससे किया के इंटू के कितना बन गया केस किया साथ में डी है के इंटू केस किया डी माइनस के को डी से किया के डी प्लस यहाँ पर टू ए प्लस टू के डी डिवाइडेड बाय टू, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, पहले के स्क्वायर डी लिखने लगी हो, पावर टू से स्टार्ट करने लगी क्योंकि के की पावर टू से है, यहाँ से के स्क्वायर डी। अब यहाँ पर देखो ये है माइनस का के डी, ये प्लस का टू के डी, ये दोनों टर्म से ये माइनस का के डी और ये प्लस का के डी, टू के डी में से ये वन के डी है, टू के डी में से वन के डी माइनस कर दिया कितना रह गया वन के डी रह गया, या अकेला के डी लिख सकते हो, टू के डी में से माइनस कर दिया वन के डी, तो वन के डी रह जाएगा और साथ में क्या टर्म बच गई, एक तो टू ए के रह जाएगा प्लस साथ में ये टू ए, बाकी दो टर्म वैसे ही दी टू ए अपॉन नीचे टू। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, देखो क्या कॉमन निकला, एक तो के कॉमन निकला एक डी कॉमन निकला, के डी कॉमन निकाल दिया अंदर क्या रह जाएगा, देखो के की पावर टू है वन के बाहर निकाल दिया, एक पावर के की रह जाएगी, एक पावर के की रहेगी के, डी तो बाहर कॉमन निकाल दिया, अकेला सिर्फ इसमें के रह जाएगा प्लस डी तो दोनों में कॉमन निकल गया, डी दोनों में कॉमन निकल गया, के एक निकाला एक इसमें रह जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रह गया मीन्स वन रह जाएगा क्योंकि के डी दोनों ही निकाल गए तो यहाँ पर वन रह जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से टू ए कॉमन निकल रहा है, टू ए कॉमन निकाल दिया अंदर क्या रह जाएगा के प्लस, यहाँ कुछ नहीं रह गया मीन्स वन रह जाएगा, के प्लस वन नीचे टू। ठीक है, टू ए कॉमन निकाल दिया अंदर क्या रह जाएगा के प्लस वन, अब के प्लस वन ब्रैकेट कॉमन अंदर क्या रह गया के डी प्लस टू ए डिवाइडेड बाय टू, ये रह जाएगा। अब ये चेक करते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड हमारी क्या आई थी मैं लिख देती हूँ दोबारा, यहां हमने एन की जगह क्या पुट किया था के प्लस वन बाय टू, टू ए प्लस के प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट हो गया था सिर्फ के रह गया था और साथ में डी, तो ये राइट हैंड साइड, तो ये भी राइट हैंड साइड सेम है के प्लस वन टू ए प्लस के डी, यहाँ पर भी टू ए प्लस के डी डिवाइड बाय टू, के डी प्लस टू ए लिख दो या टू ए प्लस के डी लिख दो मतलब सेम है, देखो फाइव प्लस टू लिखो या टू प्लस फाइव लिखो आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा सेवन और सेवन, या के डी प्लस टू ए लिख दो या टू ए प्लस के डी लिख दो आंसर तो सेम ही आना है प्लस करने में, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, सो लास्ट पे क्या लिखेंगे रिजल्ट is true for n is equal to k plus 1, hence by PMI PN is true for all n belongs to natural number, ये आंसर आ गया।